स्वागत है दोस्तों आप सबों का एसआर क्लासेस पे। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे और फिर धीरे धीरे चैप्टर में इन कर जाएंगे। सबसे पहला है कि प्रकाश किसे कहते हैं, LIGHT, लाइट। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो जिसकी सहायता से हमने देखा उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि मैं बता देता हूं। प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकले उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि सन हो गया, है ना, लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सारे क्या हैं, प्रकाश के स्रोत हैं। जहाँ से प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए हमें एक और चीज़ पढ़ना है। एक होता है वस्तु, है ना, वस्तु दो प्रकार का होता है, दीप्तमान वस्तु। दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती हो उसे दीप्तमान वस्तु बोलते हैं। और अगला है अदीप्तमान वस्तु, तो इसे क्या कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता हो उसे अदीप्तमान वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने बता दिया। अब देखिए अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किरण किसे कहते हैं। किरण, तो जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चले तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, उस प्रकाश को क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को, तो प्रकाश का किरण। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। तो जब किरणों का समूह एक साथ ट्रेवल करे तो उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, है ना। एक से ज्यादा किरण एक साथ ट्रेवल करें तो उसे क्या कहते हैं, किरणों का समूह कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे जिसे मैंने क्लियर करवा दिया। अब आइए देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि किरण पुंज कहते किसे हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम लिख रखा है। पहला किरण पुंज का नाम है अपसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जिंग बोलते हैं। दूसरे किरण पुंज का नाम है समांतर किरण पुंज, जिसे पैरेलल बोलते हैं। और तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज, जिसे हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं कि कोई एक बिंदु से प्रकाश का किरण चारों दिशाओं में फैलता हुआ दिखाई दे, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। कोई एक पॉइंट से ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अगला है पैरेलल किरण पुंज, तो जब प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखाओं में गमन करें, प्रकाश की किरणें समांतर रेखाओं में गमन करें, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अगला है अभिसारी किरण पुंज, तो जब प्रकाश की किरणें कोई एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये एक पॉइंट है और इस पे प्रकाश की किरणें आकर के क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि अपसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं।
ठीक है। तो ये तीन प्रकार के किरण पुंज होते हैं, मैट्रिक में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट कर ले। बच्चों आप जब भी पढ़ना चालू करोगे तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठोगे और मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ आप उसे नोट करते चलोगे, ठीक है। तो अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अगर अगला टॉपिक है हमारा कि हम प्रकाश के कंटेक्स्ट में हम देखें कि वस्तुएँ कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो वस्तुएँ अगर हम प्रकाश के दृष्टिकोण से देखें तो तीन प्रकार की वस्तु होती है। वस्तु का पहला प्रकार है वो है पारदर्शी पदार्थ और दूसरा प्रकार है जिसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। तीसरा प्रकार का जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। बहुत से बच्चे जानते होंगे कि क्या कहा जाता है इन तीनों को। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं पारदर्शी पदार्थ को। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आर पार हो जाए, है ना, वैसे पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकें उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। अगर प्रकाश का किरण आर पार हो जाएगा इसका मतलब है कि हम उसे देख भी पाएंगे उसके पार। जैसे कि जो कांच होता है, पानी होता है, ये सारे कैसे पदार्थ हैं, पारदर्शी पदार्थ हैं, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं वो क्या है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण पूरा पूरा पार ना हो, बस उसका कुछ हिस्सा पार हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जब हम उसे उसके मतलब आंखों के सामने लाकर उस वस्तु को, कोई चीज को देखते हैं तो पूरा पूरा दिखता भी नहीं है, है ना, कुछ हिस्सा ही दिखता है, तो उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है। पारभासी पदार्थ का कुछ एग्जाम्पल आपके किताब में दिया हुआ होगा, जैसे कि शहद हो गया, है ना, और क्या है, तेल लगा हुआ कागज जो होता है, ये सब के सब क्या है, आप जब आंखों के सामने लाओगे ना उसे तो धुंधला सा दिखेगा। तो इन सब जो पदार्थ है इससे प्रकाश का किरण पूरा पूरा पार नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। अगला हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जिससे प्रकाश का किरण बिल्कुल भी पार ना हो, है ना, प्रकाश की किरणों को ये पूरी तरह से परावर्तित कर देता हो, लौटा देता हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो आप लोगों को पदार्थ समझ में आ गया, ठीक। अब देखते हैं हमें कि अगला चीज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो हमें पढ़ना है वो है इस टॉपिक का जो नाम था, क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन वह घटना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराए और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जहां से वो आ रही हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आया, जो मैं बोल रहा हूं इसे आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चले जाए। पर मतलब परावर्तन किसे कहते हैं, तो वह घटना जिसमें प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जहां से वो आ रही हो, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन बेसिकली हमें जो यहां पे पढ़ना है वो पढ़ना है दर्पण से टकरा कर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक, ये टेढ़ा बन गया, ऐसे नहीं बनाना है, ये एक दर्पण है, कांच का शीशा रहता है पहले, और उसे क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग सिल्वर से कोटेड कर देते हैं, इसे रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाता है, आईना बन जाता है। इस पे प्रकाश का किरण ऐसे आया, दर्पण पे पड़ा, तो दर्पण इसके इसे क्या करेगा, ऐसे वापस लौटा देगा, जिधर मतलब जिस तल से वो आ रहा था, ऊपर से आ रहा था तो ऊपर ही भेज दिया, ठीक है। अब इस पे परावर्तन का कुछ नियम होता है जो कि हमें पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परावर्तन के नियम क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या हैं। तो आप लोग अब हेडिंग डालोगे कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम, किसका परावर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम,
तो परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले बच्चों, आप लोगों को तीन चार बातें जान लेनी चाहिए, तभी आप सही से परावर्तन को समझ पाओगे। तो पहले मैं एक चीज़ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये प्रकाश का किरण आया, दर्पण के इस बिंदु पे टच किया, मतलब कि टकराया, और टकरा कर यहाँ से ये वापस चला गया। ठीक है, तो दर्पण के जिस पॉइंट पे वो टच किया है, उस पॉइंट से हम एक क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया। तो सबसे पहले हम जो बोल रहे थे कि तीन चार बातें जाननी है, वो क्या जानना है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस किरण का नाम जानना है, उसके बाद इस किरण का नाम जानना है, ये क्या है इसका नाम जानना है, इसे क्या कहते हैं इसका नाम जानना है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले, तब हम प्रकाश के परावर्तन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये किरण क्या है, आ रही है दर्पण पे, तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। कौन सा किरण है ये, आपतित किरण। जो दर्पण पे आके पड़ती हो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। समझ में आ गया आप लोगों को कि जो दर्पण पे आ रही है जो किरण उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये टकराई, तो जिस बिंदु पे टकराया उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये सारे नेम आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस बिंदु पे आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब आगे देखिए, ये इस किरण का नाम क्या है, तो ये टकराकर वापस जा रही है ना, मतलब कि परावर्तित होकर वापस जा रही है, तो इसका नाम भी इसके काम के ऊपर है। तो इसका काम क्या है, परावर्तित किरण। ये परावर्तन के बाद जा रहा है ना, तो नाम इसका क्या पड़ा, परावर्तित किरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब क्या रह गया, ये तो आपतन बिंदु से जो हम लंब डालते हैं उसे क्या कहते हैं, अभी लंब बोलते हैं, इसे कहते हैं अभी लंब। आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। मैं जो बोल रहा हूं इसे एज अ डिफिनेशन आप लोग अपने नोटबुक पे लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब हमें दो बातें और जाननी है। ठीक है, कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच देखिए ये एक कोण बन रहा है, ये तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपतन कोण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और यही अभिलंब रहे और ये परावर्तित किरण रहे, तो यहां पे भी एक कोण बना, तो इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है, परावर्तन कोण। अगर इतना चीज आपको याद रहे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या है, और आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये छह चीजें अगर आपको पता है तो फिर आप रेडी हो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए। और एक बार अगर आपने इसे समझ लिया, रटना नहीं है बच्चों कुछ भी, बस समझ लेना है। जैसे ही समझ लिया हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि आप किसी को पढ़ा दोगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। आप इसका फोटो बना लो जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही, और उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखते हैं। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि मैं नियम को लिख सकूं। पहला नियम जो है वो है, मैं यहीं पे लिख सकता हूं, ठीक, कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु से डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मैं नाम लिख देता हूं,
मैं डिफिनेशन नहीं लिखता हूँ, मैं बोलूंगा आप लोग उसे लिख लेंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया लंब, या तो फिर कह सकते हो अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं कि इस बात का क्या मतलब है। एक ही तल का मतलब, यहां पे देखिए दो तल बन रहा है, एक तो परावर्तक सतह के ऊपर का तल है और एक नीचे का तल है। ठीक है, तो जिस तरफ से आपतित किरण आ रही है उसी तरफ से ये परावर्तित किरण उसी तरफ क्या हो गया, चला गया। ठीक है, तो देखिए नीचे आया कोई भी किरण नहीं आया ना, ना तो आपतित किरण नीचे है, ना परावर्तित किरण नीचे है और ना ही अभिलंब नीचे है। ये तीनों के तीनों कहाँ है, एक ही तल में है, है ना। तो यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही तल में होते हैं। अगर नीचे होंगे तो तीनों के तीनों कहाँ होंगे, नीचे होंगे, और अगर ऊपर हैं तो तीनों ही कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कोण आई, मतलब कि इंसिडेंट एंगल है ये। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कोण को क्या बोलते हैं, आर, कोण आर। तो यही हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण इक्वल होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अगर हम इसे इन शॉर्ट लिखें तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो ये हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा मैंने बोला है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, तकरीबन हर साल पूछते हैं इसे। ठीक है, दो नंबर में पूछेंगे। बस आप लोगों को इतना ही लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम में आप लोगों को क्या लिखना है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये दूसरा नियम है। तो क्या बहुत भारी है ये, नहीं, बहुत ही ईजी है। दो नंबर में अगर इसे पूछता है तो आप आसानी से ये दो नंबर को उठा सकते हो। ठीक है, तो ये था ये परावर्तन का नियम। अब देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हमारा अगले टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बच्चों उसे कहते हैं, मैं इसका डिफिनेशन एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे एग्जैक्ट यही लिख लोगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है जिसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे प्रकार को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पे कटे, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पे कटती है उस बिंदु को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब बात आती है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये चूंकि कटती नहीं है परावर्तन के बाद तो इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं से आ रही है, है ना। तो जहां से आते हुए प्रतीत हो ना उस बिंदु को बोलते हैं कि ये बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में तो कटता नहीं है तो इसीलिए कहते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये था हमारा अगला टॉपिक।
जो कि खत्म हो गया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब मैंने बताया, इसका डिफिनेशन बताया और इसके प्रकार बताए। कभी कभी पूछ देता है ये कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हो, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग इसे भी बढ़िया से लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण, आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये एक क्या है, समतल दर्पण है जिसे हमने नीचे से पेंट किया हुआ है ना, कोटेड किया हुआ है। यहाँ से किरण आया, इस पे टकराया और ये क्या हो गया, वापस चला गया। तो क्या ये दोनों कभी भी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, दर्पण को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। इस वस्तु का, इस बिंदु स्रोत का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और नीचे कहाँ पे बनेगा, इसे अपनी सीध में इस तरफ बढ़ाएंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे। तो ये रहा इस वस्तु का, अगर हमने इसका नाम आई दे दिया तो ये क्या हो गया, आई डैश हो गया। ये दर्पण है, मिरर है, एम वन एम डैश। ठीक है, तो इस वस्तु का, इस बिंदु स्रोत का यहाँ पे इमेज बना। ठीक, तो इसे कहते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के साथ दो तीन खासियत होता है। सबसे पहला कि जो वस्तु है, जितना दूर पे आप इसे दर्पण से रखोगे उतने ही दूर पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, यहां पे प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, तीन चार इसके प्रॉपर्टीज होते हैं कि जितना दूर आप वस्तु को रखोगे दर्पण से, प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, यहाँ पे सीधा बनता है ना। अगर वस्तु की अपेक्षा में देखें तो वो हमेशा क्या बनता है, सीधा। समतल दर्पण क्या होता है, जो हम लोग घर पे अपने आईने के रूप में अपने चेहरे को देखने के लिए उपयोग करते हैं उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। तो जब भी हम आईना देखते हैं तो हमारा मुंह सीधा ही बनता है ना, उस पे फेस तो सीधा ही बनता है, ऐसा नहीं होता कि फेस नीचे चला जाए, है ना। लेकिन दर्पण में फेस तो हमारा सीधा बनता है लेकिन वो पार्श्विक उल्टा होता है। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब क्या होते हैं, पार्श्विक उल्टे होते हैं। अब आप कहोगे कि ये पार्श्विक उल्टा क्या है, तो पार्श्विक उल्टा ये होता है बच्चों कि जब आप अपना राइट हैंड उठाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि दर्पण में आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो। तो मतलब राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, राइट में। ठीक है, तो इसे कहते हैं पार्श्विक उल्टा बनना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्विक क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। साथ ही साथ ये इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए आप इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने क्या सीखा है इसमें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये रहा उसका इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो वस्तु दूरी इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी होता है, काल्पनिक बनता है, आप इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, सीधा बनता है ना। अगला प्रॉपर्टी था कि पार्श्विक उल्टा बनता है। ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब आइए देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो बच्चों गोलीय दर्पण उसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का कोई भाग होता हो, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक खोखला गोला है और इसका एक भाग हम ले लेते हैं, हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं। तो जब इसे कट करेंगे तो ये एक टुकड़ा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा टुकड़ा बनेगा। अगर हम इसे क्या कर दें, इसके कोई एक सतह को भी परावर्तक सतह बना दें, ये देखिए हमने इसे बाहर से ऐसे पेंट कर दिया, कोटेड कर दिया, तो ये जो है इसके बाहर वाला सतह क्या हो गया, पेंट हो गया। अब इस पर कोई परावर्तन नहीं होगा, लेकिन इस तरफ से अगर लाइट इस पर आएगा तो ये टकरा करके क्या होगा, ऐसे लाइट आया टकरा करके ऐसे निकल जाएगा, लाइट ऐसे आया टकरा करके ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक परावर्तक सतह बन गया। तो ये जो परावर्तक सतह है ये क्या है, इस गोले का भाग है ना। तो कोई गोला से बने हुए जो भी दर्पण होते हैं उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता है कितने प्रकार का। तो गोलीय दर्पण हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो दो प्रकार का पढ़ना है। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण
और दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हो गए गोलीय दर्पण के दो प्रकार जो हमें यहां पे पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण उसे कहते हैं बाबू जिसका परावर्तक सतह जो है वो क्या हो, हल्का सा धसा हुआ। देखिए इसका दो सतह है, इस कांच के टुकड़े का दो सतह है, एक इधर उठा हुआ सतह है हल्का सा उभरा हुआ है और एक ऐसे धसा हुआ है ना। तो हम किसको परावर्तक सतह बनाएंगे, अगर हम इसे अंदर अंदर पेंट कर दें तो इस तरह इस साइड वाला परावर्तक सतह बन जाएगा, तो ये तो उठा हुआ हो गया ना, परावर्तक सतह क्या हो जाएगा इसका, उठा हुआ हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं पेंट करना है, हमें इसे कैसे पेंट करना है, बाहर बाहर पेंट करना है। तो जैसे ही हम इसे बाहर बाहर पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह कौन सा हो गया, ये जो अंदर वाला हो गया ये क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह हो गया। अब इस पे प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी और टकरा कर ऐसे वापस चली जाएंगी, ऐसे आएंगी और टकरा के ऐसे वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बात क्लियर है। अब अगला देखिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण बच्चों उसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। देखिए ये हमने दर्पण बना दिया, इसे बाहर बाहर ही रंगा, लेकिन इस बार लिया था उल्टा। ठीक है, तो इस बार इसका परावर्तक सतह क्या है, ये है, ये यहां से लाइट ऐसे आया और टकरा कर ऐसे वापस निकल जाएगा। कहोगे कि सर पिछली बार आप ऐसे इस तरफ से गुजार रहे थे, इस बार इस तरफ से गुजार रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये सब नियम है बाबू, हम पढ़ेंगे एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परावर्तक सतह जिसका उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इतना क्लियर है। अब हमें इसमें तीन चार चीजों के बारे में जानना है कि उसे क्या कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला चीज जानना है वो ये, जैसे देखिए यहां पे हमने एक दर्पण बनाने का कोशिश किया है। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से समझते हैं। तो ये जो दर्पण है ये किसी न किसी गोले का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये इस गोले का क्या है, ये टुकड़ा है। तो अगर कोई गोला है तो उसका केंद्र भी होता होगा, है ना, गोला है तो केंद्र भी होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इसको कहते हैं, इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे वक्रता केंद्र का, मतलब दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, पहली बात। दूसरा बात क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु, ये दर्पण है यहां से यहां तक है, उसके बीच में जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं। तो मध्य को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, है ना, हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने दो चीजें एक्सप्लेन कर दी यहां पे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और क्या ध्रुव किसे कहते हैं, ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरी चीज, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसी को वक्रता त्रिज्या भी
कहा जाता है। अब आप कहोगे सर इसे वक्रता त्रिज्या क्यों कहा जाता है, तो वक्रता त्रिज्या इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि देखो ये एक गोला था है ना, और ये जो है पोल ध्रुव से केंद्र के बीच का जो दूरी है, भले ही भूल जाओ कि ये दर्पण है, तो अगर हम भूल गए कि ये दर्पण है तो ये क्या है, इस गोले का त्रिज्या है ना, इस गोले का क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या है इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया कि ये वक्रता त्रिज्या। तो ये समझ में आया कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दो तीन बातें और जाननी है। सबसे पहले हमने वक्रता केंद्र जाना, ध्रुव जाना, प्रधान अक्ष जाना और वक्रता त्रिज्या जाना। अगला चीज जो हमें जानना है वो जानना है कि दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, फोकस है ना। तो फोकस जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, एक चीज जानना होगा, मैं बताता हूँ फोकस किसे कहते हैं। ये रहा हमारा दर्पण, ठीक है, दर्पण है, ये रहा प्रधान अक्ष। अब आप लोग जान गए हो यहां पे क्या है, ये पोल है। तो अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आए और दर्पण पे टकराए, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से भी वो जाएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। बात समझ में आया है ना, कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आए, ये फोकस है, यहां पर क्या हम दे देते हैं वक्रता केंद्र दे देते हैं, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आए और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जहां पे काटे, जिस बिंदु पे कट करे, वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये समांतर किरण कोई जरूरी नहीं कि ऊपर में ही रहे, नीचे में भी रहेगा और ये भी परावर्तन के बाद उसी बिंदु से गुजरेगा, बस प्रधान अक्ष के समांतर होना चाहिए कोई भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, एक साथ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए एक और किरण आया, प्रधान अक्ष के समांतर है ये, तो ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, इसी बिंदु से जाएगा। एक और किरण को हम लोग ले लेते हैं, ये भी प्रधान अक्ष के समांतर है, ये प्रधान अक्ष है और इसके ये समांतर है, तो ये भी परावर्तन के बाद उसी बिंदु से होकर गुजरेगा। तो जिस बिंदु से ये लोग जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बात समझ में आया कि फोकस किसे कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हमें एक चीज और पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग जान लो कि यहाँ पे हम जितना भी दूरी नापेंगे सब हमेशा ध्रुव से नापेंगे, है ना। ध्रुव से इधर इस साइड आएंगे, बाएं साइड पे आएंगे, ठीक है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। आइए एक एक करके बताता हूं। अब आप लोग जानिए कि फोकस दूरी, तो मैंने अभी बताया कि ध्रुव से ये दर्पण है, ये ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे छोटा एफ से दिखाया जाता है, फोकस एफ, फोकस दूरी को, है ना। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे छोटे एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अब आइए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इसे बड़ा आर से दिखाया जाता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे बड़ा आर से दिखाया जाता है। अब हमें यहाँ पे एक चीज पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है कि फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, ठीक है। वो संबंध क्या होता है, मैं इसमें लिख रहा हूँ कि एफ जो होता है, फोकस दूरी जो होता है, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हम लोग आगे चल के इसे प्रूफ भी करेंगे, तो जब प्रूफ करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल के लिए आप जान लो कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है
तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप जितने भी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक चलाते हो वहाँ, जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है हर जगह शेयर करो इसे, है ना। इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लो। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि मैं जब भी कभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और फिर आप उसे देख पाओगे। तो इतना काम आप ज़रूर करो, शेयर बहुत शेयर करो इसे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए SR क्लासेस के साथ। थैंक यू।